हेलो दोस्तों, एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूं आपके लिए प्रतियोगिता दर्पण की पूरी एक साल की विविध के क्वेश्चन, जो आपको हर एक एग्ज़ाम में एक समान रूप से लाभकारी हैं। दोस्तों, इसके पीछे के सीरीज 1 लाख लोगों ने देखा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसे तो और भी लोगों ने को देखना चाहिए, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है ही। ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। गांधार शैली किन राजाओं के शासनकाल में विकसित हुई? कुषाण, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के बीच युद्ध कब हुआ था? 305 ईस्वी पूर्व में। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बरनी ने। विजयनगर दौर में एक नवीन मंडप चलन में आया जिसे कहा गया कल्याण मंडप। सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म नामक त्रिरत्न का उल्लेख किनकी शिक्षाओं में है? महावीर की शिक्षाओं में। किस मुगल शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची? शाहजहां। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग उत्तमाशा अंतरीप होकर ढूंढा और सबसे पहले कहां पहुंचा? कालीकट में। रॉयल एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। मध्यकालीन भारत में किस शासक ने सड़क निर्माण हेतु ख्याति प्राप्त की? शेरशाह सूरी। मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तराइन के द्वितीय युद्ध में। कौन हिंदू राजा हर चौथे वर्ष प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था? हर्षवर्धन। खानवा के युद्ध में पराजय से मेवाड़ की सत्ता को बहुत आघात पहुंचा। इस युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन के किस वर्ष ये वापस ले लिया गया? 1911 में। हरिपुरा जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ, यह किस राज्य में स्थित है? गुजरात। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? 11 अगस्त 1942। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? ह्यूरोज ने। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने के विरोध में। स्वतंत्रता से पूर्व की 3 मुख्य महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई, डॉक्टर एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नेली सेन गुप्ता। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? मंगल पांडे। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ देने की घोषणा की? जून 1948। स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर दिए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेजी अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई? लाहौर में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राजाओं की उपाधियां, विशेषाधिकार तथा प्रिविपर्स को समाप्त कर दिया गया? 26वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या है? ऐसी किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने अनुच्छेद व कितनी अनुसूचियाँ हैं? 442 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक पहले। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा कब की जाती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर।
निर्वाचन आयोग में वर्तमान में कुल कितने आयुक्त हैं? 3। जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य कदाचार के आरोप में तभी हटाया जा सकता है जब भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की गई हो। भारतीय लोक सेवा को संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी में निकाल दिया गया है? 44वें संशोधन 1978 द्वारा। ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले। संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्य एवं संघीय क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। मुस्लिम लीग का प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? 1909 में, जब मार्ले मिंटो सुधार आया था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाला सत्ता कौन सी है? राष्ट्रपति। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? मोरारजी देसाई सरकार के। भारतीय संसद राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए कब सक्षम है? जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू हो। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संविधान का कौन सा भाग है? नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 में। उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की। भारत की संविधान के लिए अनुच्छेद में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी समाप्त करने वाला कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 17। दल बदल विरोध कानून एंटी डिफेक्शन लॉ की से संविधान में कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संशोधन। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भोपाल के भारत भवन का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार का क्या नाम था? चार्ल्स कोरिया। महासागरों का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? बेसाल्टिक चट्टान से। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? म्यांमार में। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हुसैन सागर झील। घूमर, बागरिया तथा शंकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? राजस्थान। खच चंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गंगटोक सिक्किम में। पिग्मी नामक जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य अफ्रीका के घने वनों में। इनकी संख्या जायरे बेसिन में सर्वाधिक है। इनका कद छोटा होता है तथा शरीर का रंग काला होता है। संसार का कौन सा संसाधन क्षेत्र 40 डिग्री तथा 50 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के तटों के पास पाया जाता है? मत्स्य संसाधन। यहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं जहाँ अधिक जनसंख्या में मछलियाँ भोजन की तलाश में आती हैं। ग्रैंड बैंक तथा जापान के आसपास के सागर प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्र हैं। पृथ्वी के स्थल मंडल का लगभग 3/4 भाग किस प्रकार की चट्टानों से ढका है? अवसादी चट्टान, परंतु इसका आयतन भूपर्पटी के पूरे आयतन का लगभग 5% ही है। जैव विविधता के अधिकतम संकट हैं प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। बायोगैस में मूलतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। पौधे तथा पशुओं का जैव समुदाय जिसका एक विशेष वातावरण से संबंध होता है पारिस्थितिक तंत्र। हरित गृह प्रभाव मुख्यतः घटित होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। चारों ओर की उस बाहरी दशाओं का संपूर्ण योग जिसके अंदर एक जीव अथवा समुदाय रहता है या कोई वस्तु उपस्थित रहती है वातावरण। एक क्षेत्र के प्ररोहण
में समयांतर क्रमबद्ध परिवर्तन को कहा जाता है अनुक्रमण। पेरियार गेम अभयारण्य स्थित है, प्रसिद्ध है बाघों के लिए। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? प्राकृतिक वास का नियम। प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। पश्चिमी प्रशांत महासागर के तटों तथा चीन सागर में आने वाला एक लघु प्रबल एवं भ्रमिल उष्णकटिबंधीय तूफान जो बहुत ही विनाशकारी होता है और जिसके साथ भारी वर्षा होती है, टाइफून। एक बृहद समुद्री तरंग जो प्रायः जापान के तटों एवं प्रशांत महासागर के अन्य देशों के तटों पर आती है, सुनामी। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। किन राज्यों में सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? उड़ीसा। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्रों में। ग्रीष्म में प्रारंभ तथा बसंत ऋतु में मिसिसिपी बेसिन में आने वाला एक प्रचंड विनाशकारी वातावर्त जो किसी प्रबल निम्न दाब केंद्र के चारों ओर बनता है, टॉर्नेडो। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है, तमिलनाडु। हेडले द्वारा प्रस्तावित सिंगल सेल सर्कुलेशन मॉडल के अनुसार वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण उत्पन्न करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है भूमध्य रेखा तथा ध्रुव के बीच तापमान अंतर। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन नीति के भाग के रूप में भारत सरकार की वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा की संस्थापित क्षमता को कहां तक बढ़ाने की योजना है, 350 गीगावाट। किस देश का जीवन स्तर प्रमुखतः किससे जाना जाता है? किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखतः किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से। बुलक कैपिटलिस्ट किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ्य नहीं है। उस स्थिति को क्या कहते हैं जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की स्थिति आ जाए, ऋण जाल। भारत की केंद्र सरकार की आय के स्रोतों को संविधान के किस सूची में उल्लेखित किया गया है, 7वीं अनुसूची। भारत की संचित निधि में से होने वाले व्यय और भारित व्ययों के लिए संसदीय मंजूरी किस विधेयक के माध्यम से प्राप्त की जाती है, विनियोग विधेयक। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। विनिर्मित वस्तुओं में सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, रत्न एवं आभूषण से। यदि कोई राष्ट्र मशीनरी संयंत्रों विनिर्मित वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी का निर्यात कर रहा हो तो वह किस श्रेणी के राष्ट्रों में आता है, विकसित राष्ट्र। उत्पादक तथा उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार ने किस प्रणाली को आरंभ किया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को किस अन्य नाम से अधिक जाना जाता है, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया, डब्ल्यू जोहानसेन ने। कांच के समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि, मायोपिया। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का क्या नाम है, स्टेपिस। पौधे के किस भाग में प्रायः परागकणों का निर्माण होता है, फूल। एक इंच में कितने किलोमीटर होते हैं, एक इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 25.4। LPG का पूरा नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटोन में सबसे अधिक ऊर्जा किस में होगी, हरे रंग में। चिकित्सा विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किस जंतु वैज्ञानिक को कहा जाता है, हिपोक्रेटस को। ओजोन गैस में किस तरह की गंध आती है, ओजोन विशेष गंध वाली गैस है, सड़ी हुई मछली के रूप में इसमें गंध आती है। दोस्तों,
हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।